हेलो दोस्तों, आज हम लोग कोई स्ट्रेटेजी या फिर कोई इंडिकेटर के बारे में नहीं जानेंगे। आज हम लोग आपको ऐसा चीज बताएंगे जो आप पूरा जिंदगी भर यूज करके लॉस से मुक्ति पा सकते हैं शेयर मार्केट में। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, इसे पूरा एंड तक देखिएगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे कैसे शेयर मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को टिप्स देने वाले लोग कैसे उल्लू बनाते हैं। स्टार्टिंग में मैं और मेरे दोस्तों भी इसका शिकार हो चुके हैं, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे ये लोग करते हैं, कहां से करते हैं। आप लोगों को कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता होगा, कभी कभी लॉस भी हो जाता होगा, तो आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लोग आपको टेलीग्राम, टेलीफोन, SMS बहुत जगह से आपको टिप्स देते रहते हैं कि इसको बाय करें, सेल करें। तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले ये लोग फॉर एग्जाम्पल 100 आदमी को चुनते हैं। इस 100 आदमी को चुनने के बाद ये लोग एक पर्टिकुलर शेयर को चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI अभी 400 रुपये में चल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दो ग्रुप बनाते हैं 50 आदमी लोग का। उसमें से कुछ आदमी को बोलते हैं बाई करो 400 रुपये में, कुछ आदमी को बोलते हैं सेल करो सेम 400 रुपये में। तो 50 आदमी को बोल दिया बाई करने, 50 आदमी को बोल दिया सेल करने। अभी सोचिए, ये 400 रुपये से ये SBI का जो प्राइस है ये आ गया 350 में। तो जिन 50 आदमी को बोला था कि उसको बाई करो उनका तो लॉस हो गया, और जिन 50 आदमी को बोला था उसको सेल करो उनका 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया पर शेयर। तो ये लोग क्या करते हैं, वो 50 आदमी जिनका अभी लॉस हो चुका है उनको बोल जाते हैं, बाकी जो 50 आदमी है जिनका प्रॉफिट हुआ उनके साथ उनका पहले से ही, सबके साथ, ये 100 आदमी का साथ उनका पहले से ही डील रहता है कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो उसका 30-50% उन लोगों को देना है। तो उनको तो मिल गया 30-50%। अभी वो जो जिनका लॉस हो चुका है उनको वो भूल चुका है। अभी ये क्या करते हैं, फिर से और 50 आदमी लेके आते हैं और फिर से एक ग्रुप बन जाएगा 100 का। फिर से कोई एक शेयर में जाके एक पर्टिकुलर प्राइस में आधे को बोलते हैं बाई करो और आधे को बोलते हैं सेल करो। तो भाई साहब, फिर से किसी ना किसी का तो लॉस होगा, किसी ना किसी का तो प्रॉफिट होगा। तो इसमें 100% श्योर है कि 50% का प्रॉफिट होगा, 50% का लॉस होगा। तो जिनका लॉस होगा उनको वो फिर से भूल जाते हैं, और जिनका प्रॉफिट हुआ उनसे तो उनको 30-50% मिल ही गया। तो भाई साहब, इनको तो हर टाइम मिल ही जाएगा, लेकिन ये कोई एनालिसिस करके ये लोग बताते नहीं है। ये लोग कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस, कोई भी एक शेयर में ये लोग बता देते हैं इसको बाई करो या सेल करो, खत्म। और उनको प्रॉफिट आते ही जाता है। जिनको पहले एक दो बार प्रॉफिट मिला उनको तो ठीक है, जिनको नहीं मिला गया। तो दोस्तों यही बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी से टिप्स लेके मत करो, खुद एडिक्वेट हो, खुद देखो कहां बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है, खुद क्या ज्ञान यूज करो। एग्जाम में एक दो बार तो इधर उधर से लेके हम लोग पास हो सकते हैं, लेकिन हर बार थोड़ी हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो इसीलिए लो, एडुकेशन लो, देखो कैसे हो सके। यूट्यूब में सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारा चैनल है, सबसे देख के थोड़ा थोड़ा ज्ञान लो, फिर खुद का डिसीजन खुद लो। आप देखेंगे खुद का डिसीजन खुद लेने से 10 में से मिनिमम 6 से 7 बार तो आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखें। थैंक यू।